वीडियो विजिटिंग अराउंड दी गोथक क्वार्टर की दूसरी किस्त। इसे हम पहले पहली किस्त दे चुके हैं, अब हम आपको दूसरी किस्त दिखा रहे हैं इस वीडियो में। अब जैसे कि देखें, ये गोथक क्वार्टर का वही इलाका है जो हम पहले वीडियो में दिखा चुके हैं, लेकिन ये अब दूसरी जगह है इसी ज़िले की। गोथक क्वार्टर भी बार्सिलोना सिटी शहर का यानी डिस्ट्रिक्ट है। इसमें यानी देखें ये किस तरह लोग यानी एंजॉय कर रहे हैं अपने अपनी छोटी छोटी साइकिल पर, और सामने यानी एक तारीखी मजस्मा बना हुआ है घोड़े पर कोई यानी जो है उस वक्त का जो एम्पीरियर है उसको यानी सवार किया गया है। तो ये यानी गोथक क्वार्टर की यानी छोटी छोटी तंग तंग गलियां, ऊंची नीची गलियां देखते हुए आस्ता आस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम आपको एक चर्च है यहाँ का मशहूर जो तारीखी चर्च है उसी का विज़िट कराएंगे। फ़िलहाल ये देखें, ये गोथक क्वार्टर की यानी तंग गलियों में पुराने टाइप की बनी हुई इमारतें जिसको देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों सयाह रोज़ाना आते हैं। इस तरह यानी हमने आस्ता आस्ता इसका जायज़ा ले रहे हैं, और आपको भी यानी आस्ता आस्ता यानी इन गलियों का यानी जायज़ा दिखा रहे हैं इस वीडियो में। देखें किस तरह यानी ये तंग गलियां, लेकिन हैं साफ़ सुथरी, छोटे छोटे स्टॉल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, फास्ट फूड वगैरह लोग यानी कुर्सियों पर बैठकर आराम से यानी खा रहे हैं, और ये छोटे छोटे और भी दुकान हैं जिसमें मोबाइल के दुकान, दूसरे यानी गिफ्ट का सेंटर, इस तरह के कई दुकानें आपको यहाँ पर मिलेंगे। और विज़िट देखें आप किस तरह यानी लोग तफरी करते हुए आ रहे हैं कि जा रहे हैं। इस तरह यानी आगे आप देखें सड़क कितनी साफ़ है। आस्ता आस्ता हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर यानी आए हैं शहर का मुआयना करने के लिए। ये चर्च के ऊपर ही बिल्डिंग बनी हुई है, ये है जहाँ हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर पहुँचे हैं, क्योंकि यानी ये चर्च कदीम तरीन बना हुआ है, पुराना है, इसलिए यानी इसके छत पर जो यानी ये एक पुल बनाई गई है, लोहे की ब्रिज बनाई हुई है जिस पर यानी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों को हम तय करते हुए आहस्ता आहस्ता यानी ऊपर शहर का नज़ारा करने के लिए आ रहे हैं। ये लिफ्ट है जहाँ पर ये कुछ यानी टूरिस्ट खड़े थे यहाँ पर। ये देखें आगे यानी ये प्रोहिबिट एरिया है, यहाँ पर यानी आगे जाने के लिए मना किया गया हुआ बोर्ड लिखा गया है, क्योंकि यानी इनकी छतें कमज़ोर हैं, ये कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये चर्च भी यानी पुराना बना हुआ है, लेकिन हम अब चर्च की छत पर इस लिफ्ट के ज़रिए आए हैं जहाँ पर ये सीढ़ी लोहे की लगी हुई थी। तो यहाँ पर यानी हम यानी खड़े हैं और शहर का नज़ारा कर रहे हैं जो आपको भी इस वीडियो में दिखा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखें आस्ता आस्ता इन सीढ़ियों पर हम आगे ऊपर चढ़ते जाएँगे और शहर का और भी खूबसूरत दिलकश दिलफरेब नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये सीढ़ियां हैं जिसको यानी चढ़ते हुए कई सयाह यानी आस्ता आस्ता आ रहे हैं, और सामने लिफ्ट लगी हुई है ग्रीन कलर में, सब्ज़ रंग में। ये लिफ्ट का हिस्सा है जहां से लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और इस यानी चर्च को देखने के लिए 9 यूरो पर पर्सन किराया है तकरीबन, और लिफ्ट इसके साथ ही फ्री है। इस सारा चर्च घूमने से पहले हमने सोचा कि यानी ऊपर का नज़ारा करें, इसलिए यानी हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए हैं, और यानी ऊपर यानी आस्ता आस्ता लिफ्ट से बाहर आ गए, फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। ये सीढ़ियां बनी हुई हैं और नीचे वो सब्ज़ कलर में लिफ्ट बनी हुई है। अब देखें वो सामने समंदर का नज़ारा भी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, तो वो यानी नेचुरल व्यू है खूबसूरत समंदर का। और इसके अलावा ये सामने गुंबद जो बने हुए हैं ये चर्च के हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग इसकी छत जो कमज़ोर है, इसलिए इस पर देखें ये पुल बनाई गई है सीढ़ियों के ज़रिए, ताकि आगे यानी लोग ना जा सकें, और इस तरह ये कमज़ोर छत की वजह से इसलिए इन्होंने महदूद रास्ता रखा हुआ है, और लोहे की पुल बनी हुई है जिस ब्रिज पर लोग देखें आ रहे हैं जा रहे हैं। इस तरह ये सीढ़ियों से ये कनेक्ट की हुई लोहे की ब्रिज है, यहाँ पर लोग यानी कई सयाह देखें आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, सब यानी इस लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आते हैं, फिर सीढ़ियाँ कुछ तय करते हुए इस ब्रिज पर देखें जो इस छत पर बनी हुई है,
ये जो गुंबद जो बना हुआ है सामने, ये उसी चर्च का है। बाकी यानी एरिया देखें, वहाँ जाने के लिए यानी इन्होंने ये ग्रिल लगाई हुई है ताकि यानी आगे छत पर आदमी ना जा सके। और सामने यानी वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और इस तरह ये ब्रिज के साथ यानी लोहे की जो ब्रिज बनी हुई है उस पर यानी हम आस्ता आस्ता फासला तय करके सारे शहर का नज़ारा देख रहे हैं। इस तरह यानी सामने यानी कई बिल्डिंगें आपको इमारतें नज़र आ रही हैं। ये व्यू है आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं, सामने समंदर का खूबसूरत कुदरती नज़ारा है और इसके साथ साथ ये शहर का खूबसूरत और कदीम तरीन इमारतें हैं जो आप इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह यहाँ कई सियार रोज़ाना आते हैं जो अपने मोबाइल की गैलरी में इस तरह के खूबसूरत नज़ारे कैद करते जा रहे हैं। इस तरह यानी ये देखें, ये पुरानी इमारतें और सामने यानी शहर का व्यू है जो खूबसूरत अंदाज में आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। बराबर मेहरबानी करके मदन माली ट्रैवल द वर्ल्ड इस चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आने वाली नई वीडियोस देखने के लिए आइकॉन बेल को एक दफ़ा प्रेस करें। थैंक्स। ओके।